दोस्तों, दवाइयों की जानकारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आपने थायराइड के बारे में तो सुना ही होगा। दोस्तों, यह धीरे धीरे एक गंभीर बीमारी का रूप ले रही है। दोस्तों, थायराइड एक हमारे शरीर की ग्रंथि होती है, पर दोस्तों जब वह पर्याप्त मात्रा में हार्मोन्स का निर्माण नहीं करती है तो हमें एक थायराइड नामक बीमारी हो जाती है। दोस्तों, थायराइड दो प्रकार से होता है, हाइपोथायराइज्म और हाइपरथायराइज्म। दोस्तों, हाइपोथायराइज्म एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे शरीर का तापमान सामान्य नहीं रहता है। इसमें जैसे कि हाथ कपकपाना, ज़्यादा थकान महसूस होना, स्पष्ट नहीं बोल पाना, तेज तेज सांस लेना, ऐसी कुछ समस्याएं होने लगती हैं। दोस्तों, हाइपरथायराइज्म में हार्मोन्स का ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादन होने लगता है। जब यह क्रिया होती है तो हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन भी अधिक मात्रा में होता है। और दोस्तों, हाइपरथायराइज्म ज़्यादातर महिलाओं में दिखाई देता है। इसमें घबराहट होने लगती है, बाल धीरे धीरे पतले होने लगते हैं, पसीना ज़्यादा मात्रा में आने लगता है, चिड़चिड़ापन रहता है, भूख तो बहुत लगती है पर हमारे शरीर का वजन लगातार कम होने लगता है। तो दोस्तों, अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो एक बार अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। तो दोस्तों, आज हम थायराइड की टैबलेट के बारे में बात करने वाले हैं कि थायराइड में हम किस प्रकार की टैबलेट ले सकते हैं और कितने कितने mg में और कितनी कितनी मात्रा में टैबलेट लेना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे साथ वीडियो में बने रहिए अंत तक। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। हेलो एवरीवन। दोस्तों, थायराइड के लिए बहुत से नाम से टेबलेट आती हैं, जैसे कि थायरोनॉर्म, थायरोक्स, एल्ट्रोक्सिन और भी कई नाम से टेबलेट आती हैं। और दोस्तों, यह 12.5, 25, 50, 75 और 100 mcg में आती हैं। और दोस्तों, इसमें थायरोक्सिन सोडियम होता है। दोस्तों, जब थायराइड ग्रंथि द्वारा पर्याप्त मात्रा में हार्मोन स्रावन नहीं किया जाता है तो थायरोक्सिन सोडियम का उपयोग किया जाता है। यह शरीर में ऊर्जा और मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है। और दोस्तों, यह डॉक्टर द्वारा थायराइड की जांच करने के बाद दी जाती है कि आपको कितने mcg में और कितनी मात्रा में टैबलेट का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, आप बिना डॉक्टर की सलाह के इस टैबलेट का उपयोग ना करें। दोस्तों, थायरोनॉर्म अबाउट द्वारा बनाई जाती है, थायरोक्स मैक्लोइड्स द्वारा बनाई जाती है और एल्ट्रोक्सिन GSK फार्मास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा बनाई जाती है। और दोस्तों, इन टैबलेट को डॉक्टर के अनुसार ही लेना है और जिस प्रकार डॉक्टर बोलें उसी प्रकार लेना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम ऐसी ही जानकारी लेके आते रहेंगे आपके लिए। धन्यवाद।